फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान। आज का मेरा टॉपिक है कैसे आप अपने आप को हैकर से बच सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माना में 39 सेकंड में हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको एक हैक कांड हो जाता है। किसी ना किसी का फ़ोन या कंप्यूटर या कोई बिजनेस कंपनी हैक हो जाता है या उसका डेटा ब्रीच हो जाता है। तो इससे आप कैसे बचें? जब उतनी बड़ी कंपनी हैक हो जाती है तो फिर हमारा और आपका जो सिक्योरिटी होता है वो और भी ज़्यादा सिंपल होता है और इजी होता है। तो इस चीज़ को सुधारना चाहिए हमें, ताकि हमें कोई हैक नहीं कर सके। तो उसके लिए मैं अभी स्मार्टफोन के लिए टिप्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे टिप्स को बता रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बेशक आप ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आप वो हैक नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ आता है कि आपके डिवाइस का वाईफाई या ब्लूटूथ, ये चीज़ हमेशा आपका ऑफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका ज़्यादा हैक होने का चांस होता है। वाईफाई या ब्लूटूथ आपका हमेशा ऑफ होना चाहिए, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आता है आपका जो होता है फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ऐप होता है, तो उसको लोग बहुत सारे लोग उसको डिजेबल कर देते हैं कि उनका रैम ज़्यादा यूज़ कर रहा है या इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो डिजेबल कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन में तो कोई एंटीवायरस अलग से आप डालते नहीं या कोई हील या कुछ भी नहीं डालते हैं, और एंड्रॉयड में डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं। जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से होती है, तो उसको डिसेबल नहीं करना चाहिए, उसको इनेबल रखना चाहिए हमेशा, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ऑटोमेटिक उसको रिपेयर कर दे और आपको हैक होने से बचा देता है। उसके बाद हम बात करेंगे पासवर्ड के बारे में। तो आप जो कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं, बहुत सारे लोग सिंपल पासवर्ड डाल देते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं। सिंपल पासवर्ड इसलिए डालते हैं, वो भूल जाते हैं, जैसे अगर डाल देंगे एप्पल डाल देंगे 12345 डाल देंगे, वो अपना नाम डाल के 12345 कर देंगे, या कुछ ऐसा चीज़ डाल देते हैं जो कॉमन होता है और वो लोग कुछ लोग हैकर गेस कर लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको पासवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट डालना चाहिए। जैसे आप अपना, अगर पहली बात तो आप अपना नाम कभी पासवर्ड में यूज़ नहीं करें, भूल से भी अपना नाम पासवर्ड में यूज़ नहीं करें। कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करें जो मेरे साथ रहने वाला मेरा फ्रेंड भी उस चीज़ को गेस नहीं कर सकता है। अब जैसे मैं बता देता हूँ, अपने फैमिली किसी मेंबर का फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं जो कोई गेस नहीं कर सकता, और उस फ़ोन नंबर के साथ आप सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, अपर केस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल कोई भी लेटर ABCD कुछ भी उसके साथ में। सबसे पहले आपके फ़ोन हमेशा एक नंबर होना चाहिए स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद लेटर होना चाहिए कैपिटल स्मॉल मिक्स, उसके बाद फिर आपका सिंबल होना चाहिए @iPhone कुछ भी आप सिंबल डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपका पासवर्ड जो होता है स्ट्रांग होगा, और कहीं पे भी पासवर्ड डालिए तो मिनिमम 10 से 12 डिजिट होना चाहिए पासवर्ड में, अगर आपको प्रोटेक्ट अपने आप को करना है तो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सब कुछ नहीं हो आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इसका काम होता है, अगर मान लीजिए आप खुद भी अगर लॉगिन कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं और गए हैं, ठीक है, कहीं और गए, आप नए सिस्टम में आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है आपके फ़ोन से OTP मांगेगा। अगर आप OTP नहीं देते हैं तो वो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने टाइम ही आपको एक चार्ट देता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा चार्ट होता है। तो उसमें आपको 5 रॉ रहेगा और उसमें नंबर रहेगा 8 डिजिट 12 डिजिट जो भी हो, तो वो आपको कोड दे देता पहले ही, कि आप इन फ्यूचर कहीं से भी अगर लॉगिन करेंगे, आपका फ़ोन पास में नहीं है तो आप उस कोड को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो कोड नहीं डालेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो और बेहतर है, आप OTP डालिएगा, लॉगिन तभी होगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा, पासवर्ड देने के बाद भी नहीं होगा। तो ये आपका बेस्ट हो जाता है, अगर मान लीजिए कोई आपका पासवर्ड गेस कर भी लेता है तो वो लॉगिन नहीं कर देगा, और आप इसमें सेफ रहिएगा, आपका कोई भी अकाउंट फेसबुक अकाउंट कुछ भी हैक नहीं होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्विच ऑफ करने के बारे में। स्विच ऑफ हमेशा कर दीजिए ऑटो रिस्टार्ट। आजकल जो फ़ोन में ना और कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि आपका फ़ोन ऑन होते के साथ ही वो एक्टिव हो जाता है। एग्जांपल में मैं आपका ले लेता हूँ कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है आपका अगर फ़ोन जैसे ऑन है तो वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ होने से क्या होता है कि बहुत सारा, मान लीजिए अगर आपका कोई व्हाट्सएप या कुछ भी मान लीजिए हैक होता है, और हैक होने के बाद अगर उसको परमिशन है कि वो आपके पीछे में हर काम कर सकता है फ़ोन का, तो फिर आपको और भी ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ख्याल करिए कि बैकग्राउंड में आपका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं चले, और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका जो इंटरनेट है अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है कहीं पर, आप तुरंत देखिए कहाँ पर खर्च हो रहा है।
इसलिए कि अक्सर ऐसा देखा गया है अगर कोई भी फ़ोन हैक होता है तो उसका इंटरनेट बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए कि वो जो हैकर है उससे डेटा इन्फॉर्मेशन लेता है, तो डेटा इन्फॉर्मेशन लेता है तो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कहीं से भी अगर वो डेटा ले रहा है आपके बारे में पर्सनल, तो फोटो वीडियो कुछ भी ले रहा है तो आपके फ़ोन का डेटा हीट जा रहा है उधर, तो उससे क्या होगा आपका फ़ोन का डेटा ज़्यादा खर्च होगा, आपका फ़ोन हीट होगा, आपका फ़ोन का बैटरी लो होगा। तो ये आपका कुछ फैक्टर था मैं बता दिया। और उसके बाद है क्लियर योर ब्राउज़र हिस्ट्री, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपके ब्राउज़र हिस्ट्री को हमेशा क्लियर रखना चाहिए ताकि अगर आपका कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए कि आप इससे पहले कहाँ थे, कौन सा वेबसाइट यूज़ कर रहे थे, आप किस टाइप का आप सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, ये सब चीज़ नहीं मिलना चाहिए, इससे और ज़्यादा गेस करने का पासवर्ड चांस बढ़ जाता है। तो ये कुछ 5-6 ऐसे टिप्स हैं जिसमें आप एंड्रॉइड में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कंप्यूटर के उस पर कि आप कंप्यूटर पे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हैकर ज्ञान को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा और भी नेक्स्ट वीडियो अगर आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।